नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश, आप देख रहे हैं फ्री में सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप आप कैसे कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, बहुत ही अच्छी बहुत ही आसान ट्रिक है। कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है, बस खाली आपको कंप्यूटर में जाकर नेट चालू कर लेना है, अपने मोबाइल में नेट चालू रखना है और गूगल क्रोम खोल के कंप्यूटर में वहाँ पर जाकर सर्च करना है व्हाट्सएप वेब। वो कैसे कर सकते हैं आगे बताऊँगा। सो एक वेबसाइट को सर्च करके और अपने मोबाइल में जाके कैसे आप व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी से और कोई भी फाइल को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से, इस बारे में बात करेंगे आगे चल के वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सीख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ थम्स अप दे देना, लाइक करके जाना। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाके गूगल पर सर्च करना है व्हाट्सएप वेब, ठीक है। व्हाट्सएप वेब सर्च करने के बाद सबसे पहला जो लिंक है इस पर राइट क्लिक करके इसके न्यू टैब में ओपन कर लेना है। वहीं पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको आपके सामने एक QR कोड दिखाई देगा और इस QR कोड को जो है आपको अपने मोबाइल से स्कैन करना है। कैसे स्कैन करना है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर जाना है और जाने के बाद सिंपल तरीके से व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपके सामने व्हाट्सएप का इंटरफेस इस तरह से होगा और अब आपको ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर व्हाट्सएप वेब। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक कैमरा खुल जाएगा आपके मोबाइल में। आपके कंप्यूटर की डिस्प्ले पर जो आपको QR कोड दिखाई दे रहा है, मोबाइल में ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्कैन QR कोड, उस QR कोड को अपने मोबाइल के कैमरे के सामने कर देना है इस तरह से कुछ। ये इसको ले लेगा और आपका व्हाट्सएप कंप्यूटर में खुल जाएगा, चल जाएगा। और आपका व्हाट्सएप यहाँ पर खुल चुका है देखिए कंप्यूटर में। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है और मैंने देखी कितनी इजी तरीके से जो है इसको आपको मैंने ये दिखा दिया। अब यहाँ पर आप किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर ये मेरे पास एक ग्रुप है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अटैच के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए गैलरी है ये, फोटो वीडियो, यहाँ से फोटो वीडियो ले सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, कोई भी चीज़ आप रोम डॉस वगैरह कुछ भी कॉन्टैक्ट वगैरह यहाँ से शेयर कर सकते हैं। बात आती है किसी नए नंबर को सर्च करना, तो यहाँ पर देखिए सर्च फॉर स्टार्ट न्यू चैट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी नाम आपका मोबाइल में सेव नंबर, उसको जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ से आप देखिए इमोजी दिख रहा है आपको, यहाँ से आप चैट कर सकते हैं कंप्यूटर में, बहुत इजी है, बिना किसी सॉफ्टवेयर के बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इसको यूज़ करके कुछ इससे आप फ़ायदे ले सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि आप भी व्हाट्सएप को कंप्यूटर में यूज़ कर सकें। तो आई होप आपको ये ट्रिक जो है मेरी पसंद आई होगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। और अब इसको जब आप यूज़ कर लें किसी और के कंप्यूटर में, जब आप यूज़ कर लेते हैं इसको, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर थ्री डॉट पर आना है और यहाँ पर आके मेन्यू पे थ्री डॉट पर आके इस पर क्लिक करना और लास्ट टाइम यहाँ पे इसमें लॉग आउट कर देना। उससे क्या होगा, आपका जो व्हाट्सएप आपने लॉगिन किया था वो लॉग आउट हो जाएगा, तो किसी और के कंप्यूटर में ये ऑन नहीं रहेगा, लॉगिन नहीं रहेगा। देखिए वैसा का वैसा लॉग आउट हो गया, अब इसे कोई और नहीं खोल सकता जब तक आपकी मर्जी ना हो। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।